भैया आप बताओ कुछ सोच के। मुझे तो स्वीट पसंद है, कुछ टमाटर से स्वीट बनवाए। यस भैया। जो हम कल ये टमाटोज लाए थे बहुत सारे खरीद के, कुछ एक्स्ट्रा आ गए थे तो कुछ इनसे। भैया आप बताओ कुछ सोच के। मुझे तो स्वीट पसंद है, कुछ टमाटो से स्वीट बनवाए। यस भैया आपने बिल्कुल सही आइडिया दिया। तो टमाटोज की, भैया मुझे तो बहुत हलवा बहुत पसंद है, चाहे वो किसी भी चीज का हो। तो टमाटर का हलवा बनो। यस हमारा डिसीजन है कि टमाटर का हलवा। मैं थैंक यू तो बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन फिर भी थैंक यू बोल रहा हूँ मैं आयुषी और अहम कि आपने मुझे ये चैलेंज दिया टमाटर हलवा बनाने का। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम ये है कि मैं कुछ टमाटर से ऐसी स्वीट डिश बना रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम बनाते हैं म्यूज़िक के बाद टमाटर हलवा। तो टमाटर हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने टमाटर को 1/4 काट लेना है। उनके सभी के हमें सीड्स को अलग करना है, तो मैं एक एक करके सभी सीड्स को अलग कर लूँगा। और टमाटर के साथ एक ट्रिक ये भी है कि उसको बहुत ही जेंटली हाथों से हमें काटना होता है। तो आप जब भी टमाटर को काट रहे हो तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आपका नाइफ हमेशा शार्प होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आप टमाटर को काटने जाओगे तो वो काटते टाइम ही हलवा बन जाएगा उसका। तो इस तरह से मैं टमाटर को काट रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको प्रेस नहीं कर रहा हूँ, टमाटर को दबा नहीं रहा हूँ मैं काटते टाइम। इस तरह से मैं काट कर इसको चॉप करूँगा। तो आपको चॉप करते टाइम भी इसको ध्यान रखना है कि नाइफ को हमेशा आगे की तरफ चलाएं, मतलब चलता रहना चाहिए, नाइफ को प्रेस नहीं करना एक ही जगह। इससे क्या होगा कि टमाटर हमारा काटते टाइम पानी नहीं छोड़ेगा। तो अभी कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हम टमाटर को काटने की जगह हम उनको ग्रेट भी कर सकते थे। तो उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा करने वाले हो तो आप हलवा बनाने जाओगे और बन जाएगी ग्रेवी, फिर आप बोलोगे कि जी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अभी मीडियम हीट पर हम एक पैन रखेंगे, उसमें लगभग 2 चम्मच देसी घी हम डालेंगे। उसमें देसी घी गर्म होने के बाद ही हम उसमें तुरंत अपने टमाटर को उसमें ऐड कर देंगे। और टमाटर को हमें चलाते रहना है, और तब तक चलाते रहना है जब तक उसका पानी रिड्यूस ना हो जाए उसी के अंदर। तो टमाटर हमारा पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, तो जैसे ये हीट के संपर्क में आएगा ये अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा, मतलब इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये हलवा बस सिर्फ काटने में ज़्यादा टाइम लेगा, उसके बाद ये झटपट बन जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। तो हमारा पानी ये रिड्यूस हो चुका है ऑलमोस्ट, तो मैं इसमें 1/2 कप लगभग चीनी ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि चीनी डालने के बाद ये फिर से पानी छोड़ेगा, तो हमें इसका पानी भी रिड्यूस करना है फिर दोबारा से। तो हम इसको फिर से पकाएंगे थोड़ी देर। तो इसमें चीनी डालने के बाद आपको इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका टमाटर और ज़्यादा पक जाएंगे या गल जाएंगे, क्योंकि चीनी थोड़ा ईगोइस्टिक होती है, वो हमेशा चाहती है कि मैं पहले पकूँ उसके बाद ही कुछ और का नंबर आए। और चीनी पकने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 कप खोया या मावा। मावा डालने के बाद ये भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैंने अपने खोया को पहले से नहीं भुना है, तो इसके अंदर जो फैट होता है वो भी थोड़ा रिड्यूस होगा इसी के साथ अभी। तो हम इसको अच्छे से पकाएंगे अभी। तो देखने में तो मुझे अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है, बस थोड़ा सा इंतज़ार है कि खोया अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें और उसका पानी हल्का सा रिड्यूस हो जाए। तो इसी को मैं अच्छे से पका रहा हूँ अभी पैन के ऊपर। तो इसमें फाइनल टच में देने के लिए हल्का सा इलायची पाउडर और ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी स्वीट के साथ इलायची पाउडर जब उसका फ्लेवर आता है ना तो एक अलग ही किक मिलता है खाने में। हलवा तो हमारा डन है, इसको हम अभी साइड करते हैं। तो इसकी प्लेटिंग भी उतना इम्पोर्टेंट है, तो प्लेटिंग के लिए मैं सबसे पहले शुगर को थोड़ा सा कैरमलाइज कर रहा हूँ। तो शुगर को हमें लो मीडियम हीट पर ही थोड़ा पकाते रहना है, और शुगर को पकाना हमेशा ही ट्रिकी होता है। एक बार अगर टेम्परेचर इसका निकल गया तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि इसको वापस उसी टेम्परेचर में लेकर आ जाए। तो बचपन में हमने बुढ़िया के बाल खाए हैं, सभी ने खाए होंगे, मैंने तो बहुत खाए हैं। तो ये उसी तरह से मैं इसको कर रहा हूँ एक तरह से। तो इसको फोक से हम शुगर को ऐसे डालते रहेंगे, एक तरह से इसका नेट बन जाएगा।
तो इसको हाथ से इकट्ठा करके मैंने ऐसे गोल गोल बनाया है। इसको हम प्लेटिंग में यूज़ करेंगे अभी। तो प्लेटिंग के लिए सबसे पहले मैंने अपने हलवे को एक सूप बोल में रख लिया है। तो सूप बोल में क्या होगा कि उसकी शेप अच्छी आ जाएगी। उसको मैं उल्टा करूँगा अभी। उल्टा करके सूप बोल को मैं निकाल लूँगा और जेंटली अपना जो शुगर से मैंने ये बनाया है कैरमलाइज्ड, उसको मैं हलवे के ऊपर रखूँगा। और ये पिस्ता है जिनको मैंने शुगर के अंदर ही लपेट के रखा हुआ है। अभी प्लेटिंग में थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा है, प्लेट में वाइट भी हो गया है, रेड भी हो गया है, थोड़ा सा ग्रीन डाल देते हैं हम। तो चॉप पिस्ता मैं इसके ऊपर थोड़ा ड्रिजल कर रहा हूँ अभी। तो प्लेटिंग तो अच्छी लग रही है, आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी। तो अभी इसको मैं टेस्ट करके भी देख लेता हूँ कि कैसे खाना है इसको। इसका टेस्ट तो आप मेरे एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हैं कि कैसा होगा। एक बार नहीं, मैं इसको दो बार टेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है। अब तो लोग खाने कैसा लगा भैया? मुझे तो बहुत ही टेस्टी लगा, बिल्कुल किशमिश के जैसा टेस्ट था। सो बहुत ही अच्छा लगा। सो शेफ आकाश नेहरा, अब से हम आपको ऐसे ही हलवा चैलेंजेस देते रहेंगे। और नीचे सब्सक्राइब का बटन है गाइज, इसको दबा के जरूर जाइएगा।